गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 5, मी माई सेल्फ एंड आई। ओके, मी बी मेरा, मैं एंड आई, द सेम इट इज, यानी खुद के बारे में है। मी माई सेल्फ एंड आई, लिसन सिंग एंड एक्ट। यहाँ पे आपको सुनना है, गाना गाना है और एक्ट करना है। मी माई सेल्फ एंड आई, वी वेंट टू द किचन एंड एट ए पाई। मी माई सेल्फ एंड एन, यानी वो बच्चा। ओके, वी वेंट टू द किचन एंड हैड अ पाई। क्या खाए? पाई का ये खाने की चीज़ है। ओके, इट्स अ स्वीट डिश एंड ऑल। तो बोलते हैं आई एट अ पाई, देन माई मदर्स शी केम इन एंड चेस्ड अस आउट विद अ होलिंग पिन। तो मुझे क्या हुआ, देन माई मदर शी केम इन, उसके बाद क्या हुआ, उसकी मम्मी उस आई वहाँ पे, देखी बच्चा पाई खा रहा है, तो उसके पीछे पीछे भागी, क्या लेके, बेलन लेके, रोटी जिसपे बनाते हैं ना, एंड चेस अस आउट विद अ होलिंग पिन, हमें भगाते हुए वहाँ से पीछे अपने हाथों में बेलन लेते हुए। ओके, दिस इज व्हाट द पोएम। बच्चे है ना, खाने की चीज़ जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे खाने की चाहत होती है, तो वो खाने के लिए दौड़ते। मीठा कुछ चीज़ रखते तो ज़्यादा पसंद रहते, चॉकलेट्स वगैरह छुपा के रखते हैं तो आप लोग ढूंढ के खाते हो ना। तो वैसे ये एक बच्ची की कहानी है। मी माई सेल्फ एंड आई, मैंने वो अपने ही बारे में बता रही है, ऐसा बता रही है जैसे कि बहुत है। मी माई सेल्फ एंड आई, वी वेंट टू द किचन एंड एट अ पाई। हम लोग क्या, मैं जाके किचन में हैड अ पाई, दैट्स अ स्वीट डिश, यहाँ पे दिखाया गया। देन माई मदर के, उसके बाद क्या हुआ, मेरी मम्मी वहाँ पे आई, उन्होंने देखा मुझे वहाँ पे और एंड चेस्ड अस आउट विद अ होलिंग पिन। और चेस किया मतलब चेस करना, पीछे पीछे भागना। आप भागते हो ना, कुछ भी शरारत करके भागते हो, उसके पीछे आपकी मम्मी भागती है आपको मारने के लिए। तो वैसे शी चेस्ड अस आउट विद अ होलिंग पिन। रोलिंग पिन इसको बोलते हैं, बेलन, बेलन को, जिसे हम लोग रोटियाँ बनाती है, मम्मी रोटियाँ बनाती है। ओके, दैट इज़ वॉट इन दिस पोएम। अभी यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हैं, माई सेल्फ, किचन, एट, खाना, पाई, चेस, रोलिंग पिन। ओके, दिस आर सम ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स। अभी यहाँ पे अपने बारे में लिखना है, अबाउट माई सेल्फ, यानी अपने बारे में। माई नेम इज क्या है, आई एम स्टडिंग इन डैश स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, कितने साल के हो ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आई लिव इन, कहाँ पे रहते हो, बदलापुर में। माई फ्रेंड्स नेम इज़, आपका दोस्त का नाम यहाँ पे लिखना है। माई हॉबी, मतलब आपको क्या इंटरेस्ट है, क्या चीज़ करना है, किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, या कोई और भी हॉबीज होती है। माई फेवरेट कलर इज, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है। ओके, दिस इज टू सेल्फ, आपको सेल्फ करना है, ये आपके बारे में जानकारी यहाँ पे आपको देना है। तो दिस इज़ यू हैव टू फिल बाय योर सेल्फ, आपका असाइनमेंट में, ये आपको असाइनमेंट है, आप उसको सब लिख के उसको फिलअप करके ग्रुप में डालना है। टेल अबाउट योर सेल्फ एंड राइट इन अ फ्यू लाइन्स, यहाँ पे क्या दिया है, टेल अबाउट योर सेल्फ, मतलब अपने बारे में कुछ जानकारियाँ दो और उसके बारे में हमें लिख के भेजो, कुछ लाइनों में लिखना है। कॉपी द वर्ड्स इन योर वर्ड फाइल, नाउ उसके पीछे देखते क्या है। दूसरी एक्टिविटी है, उसी में थ्रो द बॉल, स्टैंड इन अ सर्कल, टेक द बॉल, टेल योर नेम, थ्रो द बॉल टू योर फ्रेंड। ये आपका एक्टिविटी है, अगर आप अपने दोस्तों के साथ हो तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। सर्कल में खड़ा रहना है, गोल आकार में खड़े रहना है आपको, हाथ में बॉल लेना है और अपना नाम लेते हुए बॉल दूसरे को फेंकना है दोस्तों। ओके, स्टैंड इन अ सर्कल, टेक द बॉल, टेल योर नेम, थ्रो द बॉल टू योर फ्रेंड, आस्क हिम और व्हाट इज़ योर नेम। क्या करना है, सर्कल में खड़ा रहना है, बॉल लेना है हाथ में और अपना नाम बोलते हुए दूसरे दोस्त को पास करना है और उसको बोलना है कि अपना नाम बोलते बोलो। कैच द बॉल एंड टेल योर नेम, कंटिन्यू द गेम अंटिल एवरीवन गेट्स हिज चांस, मतलब अगर एक को पास करना है, अपना नाम बोलते बोलते पास करना है और दूसरे का नाम पूछना है, तो ये
एक दूसरे को पास करते करते अपना नाम बोलते बोलते सबको एक टर्न मिल जाएगा। ओके, ये आपका एक गेम है, एक्टिविटी। अगर आप घर में आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह साथ में हैं, तीन चार फ्रेंड्स लोग, तो ये आप गेम खेल सकते हो। यहाँ पे देखिए, ऐसे एक दूसरे को पास कर, अभी नाम बोलना है, पास करना है उसको। अभी वो अपना नाम बोलेगा, किसी और को पास करेगा। दिस इज अ गेम। ओके, आपको समझ में आया? छोटा सा पोयम था अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में जानकारी देना है, अपना एंजॉयमेंट करना है। ये आपका एक्टिविटी है, गेम कैसे खेलना है ये बताया गया है। और एक छोटा सा ही पोयम है आप लोगों का, मी माई सेल्फ एंड हाय। ओके, ये पोयम हो चुका है, आपको एक्टिविटी दी जाएगी, यू विल हैव टू डू इट। थैंक यू।